पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आपका फोन पे वॉलेट का बैलेंस, फ्री चार्ज का बैलेंस, एयरटेल मनी वॉलेट का बैलेंस आप इजीली बैंक में ले सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मोबीक्विक वॉलेट का बैलेंस उस प्रोसेस से नहीं ले सकते। तो ये है वीडियो, मोबीक्विक का बैलेंस कैसे आपको जो कैशबैक मिलता है वॉलेट का बैलेंस आपको बिना केवाईसी, ध्यान में रखे, बिना केवाईसी करके बैंक में बहुत इजीली ले सकते। ये मैंने इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे ये सब करना है। तो अगर आपको पिछले वाला वीडियो को देखना है कि कैसे फोन पे का बैलेंस ले सकते बिना केवाईसी करके आपका बैंक अकाउंट में, तो आई बटन में मैं वीडियो का लिंक जरूर दे दूंगा, आप जरूर से चेक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हाय, आई एम सोमनाथ योर सिंह सोम टिप्स। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने एक ऐप के बारे में बोला था, उस ऐप का नाम था पेयू नाउ, जो पेयू मनी का ही सब ब्रांड है। तो वहां पर आप जरूर से नोटिस किया था कि कोई भी मोबीक्विक का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मोबीक्विक का ऑप्शन पहले था लेकिन अभी नहीं है, मोबीक्विक का चेंज करके वो लोग फोन पे कर दिया है। लेकिन इस ऐप में, जो उस ऐप के बारे में मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, वो ऐप का नाम मैं आगे बताऊंगा। तो पहले सिनेरियो देखते हैं। देखो, मोबीक्विक बहुत सारा कैशबैक देते हैं, पहले से मोबीक्विक बहुत सुधर गया है। रेफरल नाम के लिए 500 रुपये दे रहा है, एक एक रेफर के लिए 100 रुपये। ये तो तेजी से अब हाल ही में दे रहे, कि पहले कोई भी ऐप ऐसा नहीं दे रहा था। फोन पे भी 75 दे रहा था, लेकिन मोबीक्विक 100 रुपये दे रहा है, 100 रुपये। तो उसमें हर वीकेंड पे या जब हॉलीडे आते हैं, मोबीक्विक में जरूर से जरूर ऑफर चलता है। 20 ट्रांजेक्शन के लिए अराउंड 100 रुपीज देते ही है। तो हर हफ्ते 100 100 करके एक महीने में आपको इजीली 400 तो हो ही जाएंगे एक डिवाइस पे। तो 400 रुपये अगर आप सिर्फ रिचार्ज ही करते हैं, देखो जियो का रिचार्ज आप करते हो तो एक महीने में 400 हो गया, तो जियो का रिचार्ज मिल गया। लेकिन अगले महीने में जब 400 हो गए, तो उसको लेकर आप क्या करेंगे, वॉलेट में पड़े रहेंगे, केवाईसी होंगे तो फिर वहां पर चार्ज भी लगेंगे, ठीक है। अगर बिना केवाईसी तो और भी मुश्किल ज्यादा पैदा हो रहा है कि आप सेंड नहीं कर सकते एक ही अकाउंट में या किसी को या बैंक में। तो इस वीडियो में उस लोगों के लिए है जिसका कोई भी केवाईसी नहीं है मोबीक्विक में, या फिर मिनी केवाईसी कैशबैक पाने के लिए लेकिन फुल केवाईसी नहीं है, या आपके पास ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा मोबीक्विक अकाउंट है तो उसका कैशबैक कैसे लेंगे, इसके वीडियो में इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर मुझे मोबीक्विक से बहुत सारा कैशबैक मिल चुका है, तो 100 100 रुपये करके। इसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इंस्टामोजो नाम के ऐप को डाउनलोड करना होगा, या फिर इंस्टामोजो को वेबसाइट में जाके भी आप कर सकते हैं। तो इंस्टामोजो में जाके आपको क्या करना होगा, अकाउंट बनाना होगा, ईमेल आईडी पासवर्ड। इसमें जो रिक्वायरमेंट पहले पिछले वीडियो में था, इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड और कुछ नहीं, ठीक है। और मंथली लिमिट है 10,000, 10,000 कैशबैक के लिए बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपको साइन अप कैसे करना होगा, पेमेंट कैसे करना होगा, इसके वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सोम टिप्स एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर वीडियोस। तो यहाँ पर मैं instamojo.com के वेबसाइट में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावरिंग 5 लाख प्लस बिजनेसेस इन इंडिया। तो ये पेमेंट गेटवे बेसिकली और कुछ नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छा पेमेंट गेटवे। यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा कंपनी यहाँ पर यूज़ करती है इस पेमेंट गेटवे पे। तो वीसा मास्टर कार्ड यहाँ पर एप्लीकेबल है, और बहुत सारा जो वॉलेट है वो भी एप्लीकेबल है। तो आपको क्या करना होगा, लॉग इन या साइन अप पे क्लिक करना होगा। तो आप नए यूजर है तो यहाँ पर कंज्यूमर है, बिजनेस है तो कंज्यूमर है, तो आपका तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेकिंग जो पेमेंट का स्टेटस है कुछ भी। अगर आप बिजनेस है तो बिजनेस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर साइन अप एज ए बिजनेस। तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दीजिए और यहाँ पर एक पासवर्ड दीजिए और साइन अप कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो ट्रांजेक्शन फी है ₹2+3, तो ₹2% पहले जो मैंने पेयू नाउ यूज़ किया तो 1.99% था, लेकिन यहाँ पर 2%, थोड़ा सा परसेंटेज भी ज़्यादा है। और तो हर एक ट्रांजेक्शन में ₹3 लगेंगे। तो मान लीजिए आपका एक दिन में 20 20 करके 3 बार आया है, अगर आपको 60 रुपये के हिसाब से 2% कट गया है तो वो तो कटेगा ही, उसके ऊपर GST भी लगेगा। लेकिन 2 टाइम्स 3 3 टाइम्स 3 रुपीज़ करके भी 9 रुपीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ये 3 रुपीज़ करके ये इंस्टामोजो रख लेते हैं। लेकिन क्या पता आपको अगर लेना ही है मोबीक्विक का, तो ये जितना तो आपको करना ही पड़ेगा कि और कोई रास्ता है नहीं। तो जस्ट लुक एट द चार्जिंग। तो अगर आप NEFT RTGS ये सब ऑप्शन देते हैं कस्टमर को,
तो डायरेक्ट एंड टू एंड ट्रांसफर होंगे वहाँ पर, ये कुछ नहीं लेंगे इंस्टा मोजो, ये तो बहुत ठीक है। लेकिन जो डेबिट कार्ड में है उसमें भी 3 रुपीज़ ले रहा है, और जो वॉलेट है फ्रीचार्ज, ओला मनी, जियो मनी, मोबीक्विक, ये सब में भी ले रहा है, यूपीआई में भी ले रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया कि वॉलेट में ले रहा है ठीक है, लेकिन ये बाकी सब में थोड़ा तो ज़्यादा है। लेकिन क्या बताया, और इंटरनेशनल कार्ड में ये लोग लेते हैं 5%, और ये और ऑलवेज एक्टिव नहीं है, उसका एक्टिव करना होगा। डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि फाइल होस्टिंग, जैसे होते हैं ना कोई भी एक ट्यूटोरियल फाइल है और कुछ भी फाइल है जो पेमेंट वाला, जैसे कि कोई बुक हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, होस्टिंग भी हो जाएंगे, उसके साथ साथ जो डाउनलोड करेंगे उसको तो पे करने होगा, 5% यहाँ पर होंगे और वहाँ पर 3 रुपीज़ भी लग जाएंगे। तो चलो मैं साइन अप, तो मेरा अकाउंट तो है ही है, तो जस्ट मैं लॉग इन कर लेता हूँ। कैन सी ये जो मेरा जो पेज है, डैशबोर्ड पेज है, डैशबोर्ड में क्या क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी मंथली लिमिट है, अभी तक पूरा केवाईसी सिर्फ मैंने पैन कर दिया है, कोई केवाईसी वगैरह नहीं किया है, तो मंथली 10,000 का लिमिट है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि विदाउट आधार कार्ड यहाँ पर 10,000 में बैंक में ले रहा हूँ सिंपल पैन कार्ड यूज़ करके। तो अकाउंट बनाने के टाइम आपको पैन कार्ड, बैंक अकाउंट वो सब देना होगा, तो डेटल्स में थोड़ी देर बाद दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट सेल बोल के कुछ है, देखो यहाँ पर कितना कितना पैसा आया है रिसेंट। सो ये सोमडिप्स के नाम पे है, तो उस वो भी मैं बाद में, क्रिएट पेमेंट लिंक कैसे होता है ये पहले बाद में दिखा दूँ। तो पहले चलो देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप एट द रेट सोमडिप्स बोल के जो है ना, ये आपका पेमेंट लिंक है और अकाउंट आईडी भी है, जैसे कि यूट्यूब स्लैश सोमडिप्स ऐसे। यहाँ पर आप देखो पर्पज ऑफ पेमेंट हो गया कुछ भी, और अमाउंट में दे देते हैं 10 रुपये। तो हाँ यह पर ध्यान में रखिए 9 या 10 रुपीज़ यहाँ पर मिनिमम होंगे। तो ये देखो नेम, ईमेल आईडी सब कुछ देख के आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट के बाद में थोड़ी देर बाद जाती हूँ, पहले ये अकाउंट पे दिखा दी थी। अकाउंट सेटिंग में आपको ईमेल आईडी होगा, फ़ोन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, और कस्टम जो लिंक है ना instamojo.com/, को आप चेक कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पेमेंट सेटिंग में दो चीज़ है, कन्वीनियंस फी। तो मान लीजिए 100 रुपये कस्टमर पे कर रहा है, तो उसके से काट के अगर आपको 94 रुपीज़ मिलते हैं, तो आपके पास जो डिडक्ट होंगे वो आपके अकाउंट से कट के आपके पास आएंगे, कस्टमर का फीस से डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कन्वीनियंस फी को यहाँ पर एक्टिव कर देते हो, तो क्या होंगे 100 के साथ साथ वो जो 5 रुपीज़ और एक्स्ट्रा जो ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं ना, सब कुछ कस्टमर ही पे कर देंगे, तो 100 रुपये आपके पास आ जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन ये रिकमेंडेड है अगर आप स्मॉल बिजनेस चलाते हैं तो ये ऑफ ही रहने दीजिए NEFT बैंक ट्रांसफर। हाँ अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका जो NEFT और बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये दोनों शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अगर आप कस्टमर से एक्सेप्ट करना चाहते हो वो बैंक अकाउंट डायरेक्ट, तो आप ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेमेंट बैंक जैसे कि पेटीएम, एयरटेल होगी, कुछ भी हो, जहाँ पर मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट नंबर है, तो उस हिसाब उसके लिए ये बैंक NEFT मत यूज़ कीजिए, ऑफ ही रखिए, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिर भी अगर आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड किया है तो आप ऑन कर सकते हैं। तो बस इतना ही, मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक लिंक किया हो तो इसीलिए ऑफ है। पे आउट सेटिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड, ये सब पे आउट सेटिंग में है। तो प्रोफाइल सेटिंग में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ भी प्रोफाइल में कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वक्त PNG फोटो मेरे चैनल का लोगो अपलोड किया है, तो ये सब आप कर सकते हैं। और जो एक और वेबसाइट होती है, यहाँ पर वेबसाइट भी दे दिया है, यहाँ पर मैंने सोशल नेटवर्क्स भी ऐड कर लिया। तो बस इस हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो स्टोर है, स्टोर का GST है, बहुत कुछ, इतना कुछ सेटिंग का कुछ ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ आपको पैन कार्ड नंबर देना है, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड देना है, और सीधे जाके आपको क्या करना होगा, क्रिएट पेमेंट लिंक करना होगा। क्रिएट पेमेंट लिंक बिना करके भी आप यहाँ पे यहाँ से जो है ना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज में आ जाएंगे, एंटर अमाउंट बैंक पे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्विक लिंक है, स्मार्ट लिंक है, तो क्विक लिंक पे वही अमाउंट फिक्स हो जाएंगे और पेमेंट का मोटिव लिखा होगा। स्मार्ट लिंक पे क्या होगा, पेमेंट फॉर समथिंग, लिंक एक्सपायरी, सब कुछ यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो क्विक लिंक पे आपको कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक पेमेंट फॉर व्हाट सम ये करके
आप कर सकते हो। तो बस इतना ही। तो पेमेंट लिंक्स जो है ना, यहाँ पर देखो एक 10 रुपये का पेमेंट्स लिंक है। तो ये पेमेंट लिंक ऐसे स्मार्ट लिंक है, तो अलाउज कस्टमर्स टू चेंज अमाउंट या ऑन या है, कस्टमर को अमाउंट चेंज कर सकते। तो चलो एक पेमेंट लिंक का आपको क्रिएट करके दिखाई देती है। तो मिनिमम अमाउंट एंड अमाउंट है, अलाउ कस्टमर्स को इसको चेंज कर दिया, डिफॉल्ट का 10 रुपये कर दिया, पेमेंट फॉर कुछ भी एक दे दिया है, एड मोर इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो एंटर मोर इन्फॉर्मेशन पर कुछ भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट में जाइए आप, ऐड कलर इमेज, ऐड कलर कर सकते हैं। देखो जो बैकग्राउंड है ना, पेइंग टू सोम टिप्स, ये आप कलर चेंज कर सकते हो। या फिर अगर आप ऐड इमेज, मैंने क्या किया है यहाँ पर, ऐड इमेज करके जो थंबनेल होता है और जो चैनल का जो लोगो होता है, बड़ा बैनर होता है, वो मैंने दे दिया आपके ऊपर है। यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड भी डाल सकते हैं आप, यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं कुछ भी, कलेक्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन, तो शिपिंग एड्रेस, तो ये ऑफ ही रहने दीजिए। आफ्टर पेमेंट्स ऑप्शन, तो थैंक यू नोट भी आप दे सकते हैं, या फिर लाइक थैंक्स फॉर द पेमेंट, ये सब करके आप डन कर सकते हैं। तो चलो ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपको कोई वेबसाइट में देना है, तो इसमें एम्बेडेड करके यहाँ पर जो आएंगे, तो उसमें से जाके आपको क्या करना होंगे आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो रिमोट चेकआउट और रिडायरेक्ट लिंक होता है, ये सब होता है, लाइट डार्क, ये जो बटन का आईडी वो चेंज कर सकते हैं, ऐसे करके कुछ नहीं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते। करने के बाद ये स्क्रिप्ट का कोड आपको वेबसाइट में डाल देना होगा। तो चलो एक डेमो दिखाती हूँ। वेबसाइट है मेरे, जो यहाँ पर हेल्प सॉन्ग टिप्स लिखा है ना, उसके ऊपर मैं जब क्लिक करूँगा, सेम उसी जगह से मैं कॉपी किया स्क्रिप्ट को यहाँ पर दे दिया। तो देखो मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा फुल बैकग्राउंड चल रहा है, मेरा जो यूट्यूब का बैनर है वो चल रहा है। यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर देख के आप अमाउंट को देख के यहाँ पर अपडेट करके चेंज कर, अगर आप अमाउंट पे कुछ भी नहीं चेंज करते तो बाई डिफॉल्ट 10 रुपीज़ ही पे होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ भी नाम दे दिया, ईमेल दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया, अमाउंट दे दिया। तो 100 रुपये मान लीजिए, 100 रुपये के बाद आपको अपडेट करना होगा, तो यहाँ पर आपको 100 100 हो जाए, पे 100। तो यहाँ पर आप देख लीजिए नेक्स्ट करने से पहले ये जो पे वाला सिनारियो है तो वो एक्चुअल है या नहीं, आप जो चाहती हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर भी आप जेन्युइन दीजिए, ईमेल भी आप जेन्युइन दीजिए, दो कारण। पहला कोई फ़ोन नंबर पे जो पेमेंट आईडी होंगे आ जाएंगे आपको, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको हो जाएंगे काम। अगर आपके पास कोई पेमेंट नहीं मिला है तो वो पेमेंट आईडी आप जरूर से चेक कर सकते हैं। और ईमेल क्यों मैं ओरिजिनल देने बात कर रहा हूँ, तो ईमेल पे जो पेमेंट का रिसीप पीडीएफ में आपको रिसीव हो जाएंगे सक्सेसफुल पेमेंट के बाद। तो ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भीम यूपीआई, फोन पे, ये वाला ऑप्शन पे ना फोन पे है। तो आप सोच रहे हो कि भाई पहले वीडियो मैंने अलग क्यों दिया फोन पे में, देखो यहाँ पर जो फोन पे है ना, यहाँ पर वर्चुअल का जो कार्ड यूपीआई है सिर्फ वही आप यूज़ कर सकते, कोई वॉलेट बैलेंस नहीं यूज़ कर सकते। तो वॉलेट में जाना होगा, तो वॉलेट में आप देखो ये चारों को चारों ऑप्शन है, ओला, फीचर, जियो मनी, मोबीक्विक। तो आपको सिंपल मोबीक्विक पर क्लिक करना है, चेकआउट ₹100 करना है, एक पॉपअप विंडो खुल जाएंगे, मोबाइल पे करेंगे तो भी खुल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो MobiQuick.com पे आ गए, जो मोबाइल नंबर दिया वही शो कर, आप जरूर से यहाँ पर आपका जो ओरिजिनल मोबाइल नंबर है जिसमें आप अकाउंट है उसका नंबर दीजिए, मोबीक्विक का पासवर्ड दीजिए, अगर पासवर्ड भी नहीं है तो लॉग इन हुआ ओटीपी पर क्लिक करके सबमिट कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। तो ऐसा करके आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के 2-3 दिन बाद आपको पेमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 अगस्त को मेरा जो 356 रुपीज़ का जो एक्सेप्ट हुआ था पेमेंट, उसके हिसाब से 340 रुपीज़ का पे आउट मिला है। तो 100 रुपीज़ में 94 रुपीज़ मिला है। तो ऐसा करके वो लोग देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो बैंक में एक्सेप्ट हुआ पेमेंट वाया NEFT, उसका स्क्रीनशॉट, और IMPS, दोनों में किसी में भी एक वैसे आपको पेमेंट मिल जाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट भी आप देख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कैसे इंस्टा मुझे यूज़ करके मोबीक्विक का वॉलेट का बैलेंस बिना फुल KYC करके आपका बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इसमें ट्रांजेक्शन चार्ज जरूर लगता है 2%, पिछले वीडियो में पे यू ना पे 2% लगता था, लेकिन यहाँ पर 2% प्लस ₹3। ट्राई कीजिए 100 के आसपास ही अमाउंट विदड्रॉ करने के लिए, क्योंकि एक छोटा छोटा अमाउंट करेंगे तो आपको
3 रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर से अच्छा लगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग ऐसे ट्रिक अप्लाई करके मोबीक्विक का बैलेंस बैंक अकाउंट में लेंगे या नहीं। ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही आगे भी दूंगा। तो ये वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए हर उस फ्रेंड को जो मोबीक्विक यूज़ करते हैं या फिर UPI यूज़ करते हैं जिसमें कैशबैक मिलता है और वो चाहते हैं कि वॉलेट का बैलेंस बैंक पर नहीं है और बिना KYC करके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नया वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय एंड स्टे सब्सक्राइब टू सोम टिप्स।